everyone, welcome to our channel Knowledge of Friends. Subscribe to our channel and click the bell icon for the latest update. आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्लाउड कंप्यूटिंग की क्लास डिस्कस करने वाले हैं. क्लाउड कंप्यूटिंग में ऑलरेडी जो आज हमारा क्लास नंबर है वो 85 क्लास नंबर है, जिसमें हमने ऑलरेडी क्लास 84 कर चुके हैं, जिसमें हमने प्लेटफॉर्म एज सर्विसेज का थोड़ा सा इंट्रो किया था एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज हमने ऑलरेडी कम्प्लीट कर लिया है. तो उसको जाके एक बार गो थ्रू कर लो जितने भी हमने क्लास अभी तक कराए हैं, सो दैट यू विल गेटिंग ऑल द इन्फॉर्मेशन, क्योंकि उसके आर्किटेक्चर्स भी मैंने बताए थे. सो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज, जो कि पास आपका जिसे हम कहते हैं प्लेटफॉर्म एज सर्विसेज का हम पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे एज वेल एज द आर्किटेक्चर ऑफ प्लेटफॉर्म एज सर्विसेज भी डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी हमारा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहा है या अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सो दैट हम जो भी वीडियोज़ डालें वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे. एंड सेकेंडली, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करो, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास वीडियो पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका यूटिलाइजेशन कर सके. स्टार्ट करते हैं आज का जो टॉपिक है, दैट इज अ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज पास. दैट इज पास कैन बी डिलीवर्ड इनटू टू वेज. सो प्लेटफॉर्म एज सर्विसेज जो है वो दो वेज में डिलीवर्ड हो सकता है. फर्स्ट इज एज द पब्लिक क्लाउड सर्विसेज फ्रॉम अ प्रोवाइडर वेयर द कंज्यूमर कंट्रोल सॉफ्टवेयर डिप्लॉयड and the minimal configuration options and the provider provide the network server storage OS middleware, that is your Java runtime, .net runtime and integration etc, database and the other services to host the consumer application. These all was performed by the platform as services, which was handled by platform as services. They provide the networks and the server storage, OS integration, OS middleware, that was you can say that Java runtime and the .NET runtime, as well as the integration of that. So all these they are providing all these facility as platform as services. The next point for the platform as services as the private services, जो कि प्राइवेट सर्विसेज होती हैं, दैट इज अ सॉफ्टवेयर इन साइड द फायरवॉल, ऑल द सॉफ्टवेयर डिप्लॉयड ऑन द पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज, दैट इज ऑन पब्लिक डिमांड ऑन द पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विसेज, दैट वी हैव टू डिस्कस इन दिस क्लास एज आर्किटेक्चर. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस. So here you gonna see that the architecture of the platform as services here is these are the application developer. After that, they are the load balancer, which balance the load of the application developer. Here is the cloud type of a structure where it is application runtime instance. These are the application runtime instance. The database instance are these. These three, they are more than three, but we had put in a combined way. So here you can see that the application runtime instances and the database instances are the both here for the platform as services. Whereas the virtualization layer is also there after the load balancing and after this. So moving on with the point which we have is for the application runtime. Here it is an important plays an important role for that also. Application runtime, where application runtime here is यहाँ पे application runtime instance था, यहाँ पे database instance था, but यहाँ पे application runtime हुआ है एंड यहाँ डेटाबेस है. ये पूरा कंक्लूड वर्चुअलाइजेशन लेयर के बाद है. इसकी इससे हम डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म कहते हैं, जहाँ पर डेवलप करता है हमारा जो सर्विसेज होता है वो हमें यहाँ पे डेवलप करके मिलता है. दिस ओल्ड आर्किटेक्चर इज कम्प्लीटली नोन एज प्लेटफॉर्म एज सर्विसेज, विच इज नोन एज फॉर द आर्किटेक्चर ऑफ प्लेटफॉर्म एज सर्विसेज एज वेल. सो क्लास आज हमने प्लेटफॉर्म एज सर्विसेज के बारे में डिस्कस किया है. मूविंग ऑन विद नेक्स्ट टॉपिक, वी विल डिस्कस अबाउट द फीचर्स ऑफ प्लेटफॉर्म एंड एज वेल एज फॉर द एडवांटेजेस एज वेल एज डिसएडवांटेजेस ऑफ द प्लेटफॉर्म एज सर्विसेज. सो थैंक यू, होप यू एंजॉय दिस वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव अ थम्स अप एंड गिव अ सजेशन ऑन अ कमेंट बॉक्स. थैंक यू.